नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद सबधानी हिंदुस्तान के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से बोल रहा हूँ, और यूं कहिए कि मैं भारत के दिल से बोल रहा हूँ। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं भारत के लिए दिल से बोल रहा हूँ। अभी लॉकडाउन के कारण लगभग 200 दिनों से हमारा एजुकेशन सेक्टर पूरा बंद है। हम लोग भी घर पर हैं और सबसे पसंदीदा काम न्यूज़ चैनल देखना, इसी में मैं अपना ज़्यादा समय व्यतीत कर रहा हूँ। इन दिनों अगर न्यूज़ चैनल को हम देखें तो आमतौर पर 12 से 15 घंटे एक ही तरह की न्यूज़ चल रही है, इलेक्शन, क्योंकि बिहार और मध्य प्रदेश में इस समय चुनाव है। इस चुनाव पर ये बात आपसे करना बेहद ज़रूरी हो जाती है। कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़ चैनल के लाइव डिबेट प्रोग्राम में था। वहाँ एक युवा से मैं मिला और मैंने उससे पूछा कि क्यों युवा राजनीति में नहीं जाना चाहते, पॉलिटिक्स से क्यों दूरी बनाते हैं। तो उसने जो जवाब मुझे दिया शायद आपको भी सुनकर चौंका देने वाली खबर लगे। उसने मुझे बोला कि राजनीति में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी नए को राजनीति में आने नहीं देते, खासतौर से युवाओं को, और अगर राजनीति में कोई युवा भी हैं तो अधिकतर वही युवा हैं जिनके पारिवारिक संबंध राजनीति से रहे हों। आज IAS और PSC की तैयारी करने वाले कैंडिडेट पर भी अगर कोई प्रकरण दर्ज है तो उसे जॉब लेटर नहीं मिलता, लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है। आज सरकारी नौकरी के लिए डिग्री की जरूरत है, लेकिन सरकारी चुनाव के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। आज सरकारी कर्मचारियों के वेतन पिछले 20 सालों में 4 से 5 गुना बढ़ा है और पॉलिटिशियंस का वेतन लगभग 10 गुना बढ़ा है। आज 1,00,000 आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए 138 पुलिस वाले हैं और 14,800 नेताओं की सुरक्षा 47,000 पुलिस वालों के हाथ में है। बहुत सारी जगह तो देखा गया है कि एक आम आदमी को भी अपनी FIR दर्ज कराने के लिए कहीं ना कहीं नेताओं की जुगाड़ की जरूरत पड़ती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि गरीबों के लिए काम करते करते नेता कब अमीर हो जाते हैं, किसी को नहीं मालूम। क्या आप जानते हैं कि देश के पिछले चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो अमेरिका से भी ज्यादा थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज देश में कार लोन 7.5% पे मिलता है और एजुकेशन लोन 10% पर। दोस्तों, अब समय आ गया है, हमें इस सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। हमें ऐसे नेता और विधायक चुनने होंगे जिन पर कोई आपराधिक प्रकरण न हो। हमें ऐसे पॉलिटिशियन चुनने होंगे जो मंदिर और मस्जिद के ऊपर उठ के सोच सके। हमें ऐसे सांसद और मंत्रियों की जरूरत होगी जो बच्चों के लिए शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सुरक्षा, पुरुषों के लिए व्यवसाय और बुजुर्गों के लिए इलाज दे सके। मेरा निवेदन है पार्टी से कि आपराधिक छवि वालों को टिकट न दें, और पब्लिक से कि आपराधिक छवि वालों को वोट न दें, तो धीरे धीरे इस समाज में परिवर्तन जरूर आएगा। जाते जाते मैं इस पुराने सिस्टम से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर राजनीति समाज सेवा है तो सैलरी क्यों, और अगर नौकरी है तो डिग्री क्यों नहीं। जय हिंद।